चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो हम बात कर रहे थे, आज की क्लास में बात कर रहे हैं, हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था आपका मिनरल ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, सब कुछ पढ़ लिया था। आज की क्लास में बात करना है नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म के बारे में, बात करना है नाइट्रोजन साइकिल के बारे में, बात करना है। सबसे पहला टॉपिक है नाइट्रोजन साइकिल, समझते हैं नाइट्रोजन साइकिल क्या है। एटमोस्फियर है, एटमोस्फियर, एटमोस्फियर में नाइट्रोजन होगा कि नहीं होगा, है एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन होगा, किस फॉर्म में होगा एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन, किस फॉर्म में होता पता है, गैस के फॉर्म, N2 के फॉर्म में होता है, किस फॉर्म में होता है। तो एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन किस फॉर्म में होता है, नाइट्रोजन के डाई एटम्स के रूप में होता है, अकेला एन नहीं होता, क्या अकेला एन होगा। तो एटमोसफियर नाइट्रोजन N2 के फॉर्म में होता है, N2 मतलब दो नाइट्रोजन के एटम्स N, और कौन से बॉन्ड से जुड़े होंगे दोनों, कितने बॉन्ड से जुड़े होंगे, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। तो वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, एन ट्रिपल बॉन्ड N, ये इस तरह नाइट्रोजन एटमोसफियर में पाया जाता है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है या वीक बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होने की वजह से जब ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है एन ट्रिपल बॉन्ड एन, तो ये बताओ ब्रेक डाउन आसानी से होगा क्या, नहीं होगा। प्लांट्स क्या इस नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब कर सकते हैं, नहीं कर सकते। कितने परसेंट एटमॉस्फेयर का नाइट्रोजन, कितने परसेंट है एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन, कितने परसेंट है, वेरी गुड, 78% नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में है। लेकिन ये नाइट्रोजन जो है एटमॉस्फेयर सबसे ज्यादा पाई जाने वाली गैस एटमॉस्फेयर में कौन सी है, सबसे ज्यादा नाइट्रोजन के, तो सबसे ज्यादा पाई जाने वाली गैस यही नाइट्रोजन है, लेकिन N2 के फॉर्म में पाई जाती है, नाइट्रोजन के डायटम्स के फॉर्म में पाई जाती है, और इस फॉर्म में प्लांट्स उसको एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, और प्लांट एब्जॉर्ब नहीं कर सकते तो बेचारे ये ग्रीन ग्रीन प्लांट है, देखना ये ग्रीन 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 प्लांट है, तो क्या इनको नाइट्रोजन इस पेड़ से इससे मिलेगी, क्या ये नाइट्रोजन ले सकते हैं एटमोस्फेयर से, नहीं मिलेगी। तो इनको नाइट्रोजन कहां से मिलेगी, सॉइल से मिलेगी, और सॉइल में नाइट्रोजन आपको कैसे मिलेगी, क्या होगा, देखो सॉइल तक नाइट्रोजन आएगी कैसे, बात नहीं करो बच्चा, कोई की आवाज आ रही घर से। अगला रहने देखना, ये एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन जो है उसको फिक्स करने के लिए कई सारे उपाय हैं, उपाय उपाय क्या क्या उपाय कैसे हो सकती है। एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन जो है वो NH3 में कन्वर्ट हो सकती है, NH3 मतलब अमोनिया, अमोनिया में कन्वर्ट हो सकती है, और ये अमोनिया में कन्वर्ट कौन कर सकता है, नाइट्रोजन को अमोनियम कन्वर्ट करने की क्षमता किसके किसके पास है। तो पहला है आपकी बुक में लिखा है लाइटनिंग होगी, तो लाइटनिंग, अगर आपके एटमॉस्फेयर में लाइटनिंग हुई, लाइटनिंग समझते हो बादल गरजे बिजली चमकी, तो अगर बिजली चमकी लाइटनिंग हुई, तो लाइटनिंग की वजह से नाइट्रोजन आपके अमोनिया में कन्वर्ट हो सकती है कि नहीं हो सकती, तो आपकी हो सकती है। दूसरा बुक आपकी बुक लिखता है कि आपका दूसरा कारण क्या हो सकता है नाइट्रोजन फिक्सेशन करने का, कई सारे कारण हो सकते हैं, पहला लाइटनिंग की वजह से, दूसरा बोला आपका, एक सेकेंड, लाइटनिंग, दूसरा लिखा है अल्ट्रा वायलेट रेज की वजह से, यूवी रेज की वजह से, अल्ट्रा वायलेट रेज की वजह से भी आपकी नाइट्रोजन अमोनिया में कन्वर्ट हो सकती है कि नहीं हो सकती। तीसरा आपकी बुक लिखता है रेडिएशन जो है, रेडिएशन प्रोड्यूस इनफ एनर्जी, ठीक है। तीसरा बोलता है इंडस्ट्रियल कंब्यूशन, तीसरा बुक आपकी बुक में लिखा है इंडस्ट्रियल कंब्यूशन, इंडस्ट्रियल कंबशन, इसकी बात करें इंडस्ट्रियल कंब्यूशन की वजह से भी आपका नाइट्रोजन कंडक्ट, आपका नाइट्रोजन इसमें कन्वर्ट हो सकता है कि नहीं हो सकता। चौथा आपकी बुक में लिखा फॉरेस्ट फायर की वजह से, जंगल में आग लगेगी फॉरेस्ट फायर, तो भी नाइट्रोजन कन्वर्ट हो सकती है कि नहीं हो सकती है। पांचवा लिखा है आपकी बॉडी आपकी इसमें ऑटोमोबाइल एग्जस्ट, ऑटोमोबाइल एग्जस्ट, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट समझते हो ना, आपके बहुत सारे गाड़ियों से, गाड़ियों की मदद से, गाड़ियों की वजह से। नेक्स्ट लिखा है पावर जनरेटिंग स्टेशन, पावर जनरेटिंग स्टेशन जहां पे बिजली बनती है, पावर जनरेटिंग स्टेशन,
जहां बिजली बनती है, बिजली बनती है वहां पर भी नाइट्रोजन कन्वर्शन हो सकता है कि नहीं हो सकता। इतने सारे तरीके हैं, इनमें से किसी भी तरीके समझना ध्यान से, नाइट्रोजन के दो बॉन्ड जो है ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है और ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी और इतनी एनर्जी सिर्फ इन घटनाओं से मिल सकती है। कौन कौन सी घटनाओं से इतनी एनर्जी निकल सकती है? लाइटनिंग की वजह से, वेदरिंग की वजह से, बिजली चमकी, गागल गरजे, यूवी रेज की वजह से, अल्ट्रावायलेट रेज की वजह से, इंडस्ट्रियल कंबशन की वजह से, फॉरेस्ट फायर से, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट से, पावर जनरेटिंग स्टेशन से, इन सभी जगह से आपके एनर्जी निकलेगी कि नहीं निकलेगी। और इन जैसे एनर्जी निकलेगी तो वो एनर्जी नाइट्रोजन के बीच के बॉन्ड को तोड़ सकती है कि नहीं तोड़ सकती है? नाइट्रोजन इस तरह नाइट्रोजन क्या बन जाएगा? अमोनिया बन जाएगा। नाइट्रोजन से अमोनिया बनने की घटना को क्या कहते हैं? ऑप्शन देते हैं, पहला है अमोनिफिकेशन, दूसरा है नाइट्रिफिकेशन, तीसरा ऑप्शन है नाइट्रोजन फिक्सेशन। इन तीन में से सही क्या होगा? बिल्कुल गलत जवाब, बिल्कुल गलत जवाब। इस घटना को नाइट्रोजन के अमोनिया बनने की घटना को नाइट्रोजन फिक्सेशन के नाम से जानते हैं, याद रखिएगा। इस पूरी घटना को नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं, याद रखिएगा, नाइट्रोजन फिक्सेशन के नाम से जानते हैं। रिपीट कर रहे हैं, नाइट्रोजन से अमोनिया बनने की घटना को नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं, अमोनिफिकेशन नहीं कहते हैं, याद रखिएगा। इस घटना को नाइट्रोजन फिक्सेशन के नाम से जानेंगे, याद रहेगा इतनी सी बात। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन कैसे कैसे हो सकता है, ये देख सकते हो, ये इतनी सारी घटनाओं से, ये फिजिकल मेथड है या केमिकल मेथड है या बायोलॉजिकल मेथड है, कौन सा नाइट्रोजन फिक्सेशन होगा? ये बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन है या नहीं है? ये नहीं है, ये बायोलॉजिकल नहीं है, फिजिकल और केमिकल है। फिजिकल घटनाओं के थ्रू या केमिकल घटनाओं के थ्रू, केमिकल रिएक्शन के थ्रू आपका ये सारे नाइट्रोजन बन रहा है, ये फिजिकल या केमिकल आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन है। इसमें से नाइट्रोजन फिक्सेशन बहुत कम मात्रा में होता है, क्योंकि ये सब घटनाएं कभी कभार होती हैं, इतनी एनर्जी नहीं होती इनके पास कि ये बहुत ज्यादा नाइट्रोजन फिक्सेशन कर पाए। नेचर में ये इनके थ्रू होता है। और एक और तरीका है नाइट्रोजन फिक्सेशन करने का एटमॉस्फेयर में, कौन? आपके कुछ प्रोकैरियोट बैक्टीरिया होते हैं, सम प्रोकैरियोट्स होते हैं, प्रोकैरियोट्स मतलब बैक्टीरिया, सम प्रोकैरियोट्स, हाँ कुछ बैक्टीरिया होते हैं, सम बैक्टीरिया कह सकते हो, बैक्टीरिया बोलो प्रोकैरियोट्स बोलो, कुछ बैक्टीरिया एटमॉस्फेयर में जिनके पास पावर होती है कि इस नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? क्या सारे बैक्टीरिया कर सकते हैं या कुछ बैक्टीरिया कर सकते हैं? सम, हाँ हाँ, नॉट ऑल, है ना, कुछ ही बैक्टीरिया के पास ये पावर है। और जिस बैक्टीरिया के पास ये पावर है उसको कहेंगे नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया कहेंगे, और इस घटना को नाइट्रोजन फिक्सेशन कहेंगे। ये बताओ, अगर बैक्टीरिया इस काम को कर रहे हैं, कोई प्रोकैरियोट्स इस काम को कर रहा है, छोटा सा बैक्टीरिया कर रहा है इस काम को, बैक्टीरिया जिंदा है या मरा हुआ है, लिविंग है या नॉन लिविंग है? लीविंग है। तो बैक्टीरिया की मदद से यह घटना हो रही है, बैक्टीरिया की मदद से हो रही है, इसलिए इसे बायोलॉजिकल फिक्सेशन कह सकते हैं, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन कह सकते हैं। तो ये देखो, बैक्टीरिया की मदद से, प्रोकैरियोट्स की मदद से नाइट्रोजन का अमोनिया में कन्वर्जन को बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। ये भी नाइट्रोजन फिक्सेशन है, लेकिन ये बायोलॉजिकल नहीं है, ये फिजिकल या केमिकल है, क्योंकि ये कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है इनमें से। तो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन किसकी मदद से होता है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, आपसे ध्यान समझना क्वेश्चन। बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन अकर ड्यू टू, ऑप्शन ए है लाइटनिंग, ऑप्शन बी है यूवी रेज, ऑप्शन सी है बैक्टीरिया, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दीज। सही, सही आंसर, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो बैक्टीरिया की मदद से ये काम होगा, बैक्टीरिया करेंगे, प्रोकैरियोट्स इस घटना को परफॉर्म करेंगे, नाइट्रोजन फिक्सेशन की घटना को बैक्टीरिया परफॉर्म करते हैं। कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं दुनिया में, एग्जांपल के तौर पे कोई एक बैक्टीरिया का नाम बताइए। राइजोबियम, वेरी गुड। तो ऐसे बहुत सारे बैक्टीरिया हैं, साइनो बैक्टीरिया है और बहुत सारे बैक्टीरिया है, राइजोबियम है, तो एक एक करके हम पढ़ेंगे। इनके इनका काम क्या करते हैं, ये नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। अब जब ये नाइट्रोजन फिक्स करते हैं तो इसमें क्या ये बैक्टीरिया करते हैं, बैक्टीरिया के अंदर कोई होता है जो एक काम को करता है?
नहीं बच्चों, बैक्टीरिया के अंदर में कोई एंजाइम होता है जिसकी वजह से काम होता है, उस एंजाइम का नाम बताइए बैक्टीरिया के। तो याद रखना, इस अमोनिया, हाँ, इस नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट करने का काम एक बैक्टीरिया करता है, एंजाइम करता है। इस बैक्टीरिया के अंदर जो एंजाइम्स होते हैं वो करते हैं, और उन एंजाइम का नाम है नाइट्रोजिनेज। नाइट्रोजिनेज एक एंजाइम है, और ये एंजाइम किसके शरीर में पाया जाता है? नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के शरीर में। जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं, उन बैक्टीरिया के शरीर में नाइट्रोजिनेज नाम का एंजाइम्स होता है, याद रहेगा। तो बैक्टीरिया के शरीर में नाइट्रोजिनेज एंजाइम है, और ये एंजाइम इस काम में हेल्प करता है बैक्टीरिया की। नाइट्रोजिनेज एंजाइम काम करता है, याद रहेगा सभी बच्चों को। नाइट्रोजिनेज एंजाइम हाँ, इतना समझ में आ गई बात। आगे चलते हैं। तो इस तरह आपका नाइट्रोजन से अमोनिया बना, इस पूरी घटना का नाम नाइट्रोजन। बहुत अच्छी बात है। अब क्वेश्चन पूछा जाए, नाइट्रोजन फिक्सेशन हो गया। अगर ये नाइट्रोजन, अगर ध्यान समझना, ये नाइट्रोजन में से कुछ नाइट्रोजन अमोनियम बन जाएगी, अमोनिया से क्या बन जाएगी? अमोनियम, ये अमोनिया था ना, अमोनिया से क्या बन जाएगी? अमोनियम, NH3 से NH4 बन जाएगी, अमोनियम बन जाएगी। और अमोनियम जो है, अमोनियम जो है, ये प्लांट एब्जॉर्ब कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? कम स्मॉल अमाउंट में या फेवरेट है उनका? स्मॉल अमाउंट में, बहुत कम, वेरी गुड, बहुत स्मॉल अमाउंट में, बहुत वेरी लेस अमाउंट में कह सकते हो, वेरी लेस अमाउंट में, याद रहेगा। बहुत कम नाइट्रोजन एब्जॉर्ब होती है किस फॉर्म में? अमोनिया के फॉर्म में। थोड़ी बहुत नाइट्रोजन अमोनिया के फॉर्म में एब्जॉर्ब होती है, ये फेवरेट फूड नहीं है, बट थोड़ा बहुत एब्जॉर्ब कर सकते हैं प्लांट्स। आगे चलते हैं। ये अमोनिया का अब आगे जाकर क्या होगा, अगली घटना होगी, ये अमोनिया बन जाएगा आगे जाकर NO2 निगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। और इस अमोनिया से इसको क्या बोलेंगे, NO2 का मतलब नाइट्रेट या नाइट्राइट, जल्दी एक बोलो, NO2 मतलब नाइट्रेट या नाइट्राइट? नाइट्राइट होगा, याद रखिए, गड़बड़ मत करना, इसका मतलब होता है नाइट्राइट। जिन बच्चों को कंफ्यूजन है वो क्लियर कर लो अपना कंफ्यूजन, NO2 मतलब नाइट्राइट। तो इस तरह ये नाइट्राइट बन गया, अमोनिया से क्या बन गया? नाइट्राइट बन गया। और इस नाइट्राइट को भी प्लांट थोड़ा बहुत एब्जॉर्ब कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, स्मॉल अमाउंट में या बहुत लार्ज अमाउंट में? वेरी स्मॉल अमाउंट में, वेरी लेस अमाउंट में, इस वेरी स्मॉल अमाउंट में, वेरी लेस अमाउंट में इस नाइट्राइट को भी प्लांट एब्जॉर्ब कर सकते हैं। और आगे चलते हैं, ये नाइट्राइट और आगे जाएगा, तो नाइट्राइट और आगे जाएगा तो क्या बन जाएगा? NO3 निगेटिव। NO3 निगेटिव को क्या कहेंगे, नाइट्रेट या नाइट्राइट? इसे हम नाइट्रेट कहेंगे। और प्लांट्स का सबसे फेवरेट फूड कौन सा है? प्लांट किस फॉर्म में नाइट्रोजन का एब्जॉर्ब करते हैं सबसे ज्यादा? नाइट्रेट के रूप में। ये सारा नाइट्रेट, जितना भी नाइट्रेट है, मैक्सिमम नाइट्रेट प्लांट एब्जॉर्ब कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे? तो मेनली प्लांट किस फॉर्म में एब्जॉर्ब करते हैं नाइट्रोजन को? मेनली, तो याद रखिएगा, मेनली नाइट्रेट के फॉर्म में करते हैं, और स्मॉल अमाउंट में अमोनिया और नाइट्राइट के फॉर्म में भी कर सकते हैं, लेकिन मेनली आपके नाइट्रेट के फॉर्म में वो आपके नाइट्रोजन, याद रहेगी इतनी सी बात, बहुत अच्छी बात है। तो मेनली नाइट्रेट के फॉर्म में करेंगे, स्मॉल अमाउंट में अमोनियम और नाइट्राइट के फॉर्म में कर सकते हैं। अब बताओ, ये नाइट्रोजन जो एटमोस्फियर में थी पहले कहां आई? एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन थी वो किस फॉर्म में आई? अमोनिया। इस घटना को, एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन से अमोनिया बनने की घटना को, और ये अमोनिया से आगे जाकर क्या बन गया?
और फिर तो इस अमोनिया से नाइट्रेट बनने तक की, अमोनिया से नाइट्रेट बनने तक की घटना को क्या कहेंगे? ये पूरी घटना अमोनिया से नाइट्राइड, नाइट्राइड से नाइट्रेट, यहां से लेकर यहां तक पूरी घटना को क्या कहेंगे? नाइट्रिफिकेशन के नाम जानेंगे। याद रखिएगा, यहां से लेकर के पूरी, यहां से लेकर के और यहां तक की पूरी घटना को एक वर्ड में नाइट्रिफिकेशन के नाम से जानेंगे। दिख रहा है ना आपको ये? तो नाइट्रिफिकेशन के नाम से जानेंगे, इस बात को बोलेंगे नाइट्रिफिकेशन हुआ। नाइट्रिफिकेशन मतलब अमोनिया से नाइट्रेट नाइट्राइड बनना और नाइट्राइड से नाइट्रेट बनना, मतलब अमोनिया से नाइट्रेट बनने तक की पूरी घटना को एक साथ क्या बोलेंगे? नाइट्रिफिकेशन। कोई दिक्कत? नाइट्रिफिकेशन कहेंगे यहां से यहां तक की पूरी घटना को। अब देखो अमोनिया में क्या था? नाइट्रोजन था और हाइड्रोजन था। हाइड्रोजन यहां से हट गया और बदले में क्यों आकर जुड़ गया? हाइड्रोजन हट रहा है और ऑक्सीजन जुड़ रहा है, इस घटना को क्या बोलेंगे? रिडक्शन या ऑक्सीडेशन। तो मतलब अमोनिया के ऑक्सीडेशन से बनेगा नाइट्राइड और नाइट्रेट कह सकते हो। अमोनिया का ऑक्सीडेशन होगा तो नाइट्रेट नाइट्राइड बनेगा और एक और ऑक्सीजन आके जुड़ जाएगा तो नाइट्रेट बन जाएगा। मतलब अमोनिया के ऑक्सीडेशन से बनता है, अमोनिया के ऑक्सीडेशन से नाइट्राइड और नाइट्रेट बनता है। चलेगा? कोई दिक्कत यहां तक समझने में? नहीं है। अब यह बताना, यहां पर देखो यहां पे NH3 है, NH3 से NO2 बनना है। ध्यान समझना, यहां से यहां तक एक घटना है और यहां से यहां तक दूसरी घटना है, NO2 से NO3 बनना है। बताओ ज्यादा ऑक्सीजन कहां खर्च होगी, कहां ज्यादा ऑक्सीजन लगेगी आपको? फर्स्ट स्टेप में, सेकंड स्टेप में? फर्स्ट स्टेप में एकदम नाइट्रोजन ऑक्सीजन जीरो थी, यहां से दो ऑक्सीजन आना है, इससे सबसे ज्यादा नाइट्रोजन ऑक्सीजन यहां खर्च होगी, ज्यादा ऑक्सीजन यहां खर्च होगी और यहां पर थोड़ी सी ऑक्सीजन खर्च होगी। देख पा रहे हो यहां पर कितने O2 खर्च हो जाएंगे इस घटना में? तीन O2 खर्च आएगा, तीन ऑक्सीजन खर्च होगी यहां पर, तीन ऑक्सीजन के घुसने से यह घटना होगी और यहां पर सिर्फ एक O2 से काम हो जाएगा। याद रखिएगा, यहां पर तीन O2 घुसेगा, दो O2 यहां पर है और एक O2 जो है वो आपके हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कर वाणी बना लेगा, पानी बनकर निकल जाएगा, H2O बनकर निकल जाएगा। दो ठो तो समझ पा रहे हो? नहीं समझ पाए बच्चों? कितना घुसा हमने बोला? तीन ऑक्सीजन अंदर घुसेगा यहां पर, तीन में से दो ऑक्सीजन तो ये दिख रहा आपको सामने में, एक ऑक्सीजन ये दिख रहा आपको सामने में, बाकी के दो O2 जो है वो निकल जाएंगे डिफरेंट डिफरेंट केमिकल रिएक्शन में, वाटर बनकर निकल जाएंगे, वाटर बनकर निकल जाएंगे। केमिकल रिएक्शन अभी हम नहीं पढ़ा रहे, बाद में पढ़ेंगे, बस इतना समझ लो यहां कितना ऑक्सीजन घुसता है इस स्टेप में, तीन ऑक्सीजन, इस स्टेप में एक ऑक्सीजन घुसता है, याद रहेगा। मतलब अमोनिया से नाइट्रेट बनने में कितनी ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, कितने ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स जरूरत पड़ेगी? फोर चाहिए पड़ेगी, 3+1, 3+1, नाइट्रेट बनने में चार चाहिए और नाइट्राइड बनने के लिए तीन चाहिए, याद रहेगा। और इस पूरी घटना को क्या कहेंगे? नाइट्रिफिकेशन, या फिर कह सकते हो अमोनिया का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। अमोनिया का ऑक्सीडेशन भी बोल सकते हो कि नहीं बोल सकते? बोल सकते हो, बहुत अच्छी बात है, इतना भी समझ में आ गया आपको। और आगे चलते हैं, ध्यान समझते जाना। अब ये नाइट्रोजन जो एटमॉस्फेयर में थी, पहले अमोनिया में आई, अमोनिया से नाइट्राइट में आई, नाइट्राइट से नाइट्रेट में आई और नाइट्रेट को क्या करेंगे? प्लांट एब्जॉर्ब कर लेंगे, एब्जॉर्ब कर लेंगे तो प्लांट के शरीर का डिफरेंट कंपोनेंट बना लेगा कि नहीं बना लेगा? नाइट्रोजन प्लांट के पूरे बॉडी में प्रेजेंट होगा नाइट्रोजन की नहीं होगा? उसकी लीफ में, स्टेम में, रूट में, फ्लावर में, फ्रूट्स में, सीड में, सब जगह होगा नाइट्रोजन की नहीं होगा? उसके फल तोड़कर हम खा लेंगे, कोई प्लांट से फ्रूट्स लगे उसके फ्रूट्स खा लेंगे या प्लांट्स के लीफ खा लेंगे तो आपकी नाइट्रोजन एनिमल्स के शरीर में आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? ये नाइट्रोजन के प्लांट्स में जो नाइट्रोजन थी, प्लांट में नाइट्रोजन थी, वो अब एनिमल के शरीर में आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी?
आ गई, ठीक है, एनिमल के शरीर में आ गई है नाइट्रोजन, देख पा रहे हो, एटमॉस्फेयर में थी, एटमॉस्फेयर से बैक्टीरिया लेकर आ गए उसको अमोनिया में, और अमोनिया से बन गई नाइट्राइट, नाइट्राइट से नाइट्रेट, नाइट्रेट से प्लांट के अंदर घुस गई और प्लांट के शरीर में थी, प्लांट के शरीर से नाइट्रोजन अब ले ली एनिमल ने, खा ली तो एनिमल की बॉडी में आ गई नाइट्रोजन, गाय भैंस बकरी कुत्ता बिल्ली इंसान सबको खाते हैं ना पेड़ों को, तो पेड़ों को खाएंगे तो इंसान शरीर में आ गई नाइट्रोजन। अब इंसान एक्सक्रीशन करेंगे कि नहीं करेंगे, इंसान की डेड होगी कि नहीं होगी, डेड बॉडी डेड होगी कि नहीं होगी, डेथ होगी कि नहीं होगी, डेड बॉडी होगी ना, प्लांट की डेथ होगी कभी ना कभी, तो प्लांट की डेथ होगी, प्लांट्स के पार्ट लीफ वगैरह झड़ती रहेंगी, फ्लावर फ्रूट्स गिरते रहेंगे जमीन में कि नहीं गिरते रहेंगे, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट, तो डेड एंड डिके मटेरियल, डेड एंड डिके मटेरियल में नाइट्रोजन होगा या नहीं होगा, क्वेश्चन ये है, डेड बॉडी में किसी एनिमल की डेड बॉडी में नाइट्रोजन होगा ना, जो उसने जिंदगी भर नाइट्रोजन खाई है वो नाइट्रोजन एनिमल के शरीर में स्टोर है, वो डेड बॉडी में होगा, उसके एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट में होगा, तो उसके बॉडी के आपके डेड और डिके मटेरियल जो एनिमल से निकलेगा, प्लांट से निकलेगा, उसमें नाइट्रोजन होगी कि नहीं होगी, हाँ होगी, और ये नाइट्रोजन अब सड़ेगी कि नहीं सड़ेगी, ये डेड बॉडी किसी की भी पड़ी रही तो सड़ेगी कि नहीं सड़ेगी, कोई कुत्ता मर गया आपके घर के पास दो तीन दिन से पड़ा हुआ है, उसे बदबू सड़ जाएगा कि नहीं सड़ जाएगा, उससे बदबू आने लगेगी कि नहीं आएगी, स्मेल आएगी कि नहीं आएगी गंदी सी, बताइए कौन सी गैस निकली, कौन सी गैस बदबू आ रही है, एक एनिमल मर गया है उससे बहुत गंदी बदबू आ रही है, बताओ कौन सी गैस की बदबू है, ये अमोनिया गैस की, और इस तरह आप देख पा रहे हो कि डेड बॉडी से क्या बनेगा, डेड डीके मटेरियल से क्या बन जाएगा, फिर से अमोनिया बन जाएगा, देख पा रहे हो, और डेड डीके मटेरियल से अमोनिया बनने की घटना को क्या कहेंगे, डेड डीके मटेरियल से अमोनिया बनने, अब इसे अमोनिफिकेशन कहेंगे, वेरी गुड, अमोनिफिकेशन आपको जो पढ़ाए थे वो ये है, अमोनिफिकेशन मतलब अमोनिया का बनना, लेकिन किससे बनना, नाइट्रोजन से या डेड डीके मटेरियल से, और अगर यहां से नाइट्रोजन बनी तो एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन से बनी तो, और डेड डीके मटेरियल से अमोनिया बनी तो, समझ में आई बात, अमोनिफिकेशन मतलब अमोनिया का बनना, लेकिन किससे बनना ये भी इंपॉर्टेंट है, ये मत कहना कि आपसे कोई पूछ ले द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया इज नोन एज अमोनिफिकेशन, कंप्लीट डिफिनेशन या इनकम्प्लीट डिफिनेशन है, आधी डिफिनेशन है या फुल है, इनकम्प्लीट डिफिनेशन है, वो नाइट्रिफिकेशन भी हो सकता है, फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया इज ऑल्सो नोन एज नाइट्रिफिकेशन, और अमोनिफिकेशन भी हो सकता है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, वो समझ में आ रही बात, दोनों ही बैक्टीरिया की प्रेजेंस में होंगे, ये भी बैक्टीरिया कर रहे हैं, ये काम भी बैक्टीरिया कर रहे हैं, दोनों जो बैक्टीरिया ही कर रहे हैं काम, सलाने का काम और नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम, लेकिन डिफरेंस है कि रॉ मटेरियल क्या था, अगर एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन से बनाया है तो नाइट्रोजन फिक्सेशन कहलाएगा, और डेड डीके मटेरियल से सड़ाकर बनाया है अमोनिया तो अमोनिफिकेशन कहलाएगा, तीन वर्ड क्लियर हो गए आपको, नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है, नाइट्रिफिकेशन क्या होता है, और अमोनिफिकेशन क्या होता है, तीन वर्ड आपको क्लियर है सभी बच्चों को, बहुत अच्छी बात है। चौथी बात, इस फिक्स नाइट्रोजन का अमोनिया, अगर अगर अमोनिया में जो नाइट्रोजन है वो वापस से एटमॉस्फेयर में चली जाए, सॉइल में जो नाइट्रोजन है वो वापस से अमोनिया के फॉर्म में नाइट्रोजन है, अगर वो वापस एटमॉस्फेयर में चली जाए तो क्या हुआ, डीनाइट्रिफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन का उल्टा हो गया, इस घटना को डीनाइट्रिफिकेशन कहते हैं, एटमॉस्फेरिक आपके नाइट्रोजन किसी फॉर्म से, NH3 के फॉर्म से, NO2 के फॉर्म से, NO3 के फॉर्म से, किसी फॉर्म में नाइट्रोजन थी, वो नाइट्रोजन वापस से एनवायरमेंट में चली गई, इस घटना को हम क्या कहेंगे, डीनाइट्रिफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन का उल्टा हो गया, डीनाइट्रिफिकेशन कहलाएगा, इस घटना को कहेंगे, याद रहेगा डीनाइट्रिफिकेशन किसे कहते हैं, एटमॉस्फेयर में वापस लौटने की घटना को, अगर एटमॉस्फेयर में वापस नाइट्रोजन लौट गई, जहां से आई थी वहां से चली गई, इस घटना को वापस लौटने की घटना को डीनाइट्रिफिकेशन कहेंगे, और डीनाइट्रिफिकेशन से पेड़ों की मिट्टी का नुकसान हुआ कि फायदा हुआ, प्लांट्स का फायदा हुआ नुकसान हुआ, हाँ डीनाइट्रिफिकेशन से मिट्टी बंजर हो जाएगी या उपजाऊ हो जाएगी,
कोई भी मिट्टी फर्टाइल हो जाएगी या बैरन लैंड हो जाएगी, बैरन लैंड हो जाएगी, है ना। तो डीनाइट्रिफिकेशन सबसे बुरी घटना है, बाकी सब तो अच्छा था। और इस तरह देख सकते हो नाइट्रोजन जहां से आई वहां वापस लौट कर चली जा सकती है कि नहीं जा सकती, घूम फिर कर। तो इस तरह एक साइकिल बन गया कि नहीं बन गया, नाइट्रोजन के आने से लेकर नाइट्रोजन के वापस जाने तक का एक साइकिल बन गया कि नहीं बन गया। और इस साइकिल को कौन साइकिल कहेंगे, आना और जाना दोनों दिख रहा है, नाइट्रोजन साइकिल के नाम से। पूरा नाइट्रोजन साइकिल है जो आपके डायग्राम बोर्ड पे बना है, समझ में आ रही बात। हमने आपसे अभी क्या क्या पढ़ाया जल्दी ध्यान से देखो, एक मिनट रुक जाओ। हमने आपको क्या क्या घटनाएं पढ़ाई, पहला चीज जल्दी से आंसर देना, एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन से NH3 बनने की घटना को कहते हैं, जल्दी से आंसर दो, नाइट्रोजन फिक्सेशन। और इसके वापस लौटने की घटना को डीनाइट्रिफिकेशन, याद रहेगा डीनाइट्रिफिकेशन, ठीक है। आपको बोले हाँ बोलो डीनाइट्रिफिकेशन में, हाँ बोलो तुम बोलो, क्वेश्चन पूछो। नहीं, किसी भी फॉर्म से, नाइट्रेट से हो जाए, नाइट्राइड से हो जाए, अमोनिया से हो जाए, किसी से भी हो जाए, नाइट्रोजन फिक्स नाइट्रोजन वापस लौट जाए, सीधी बात है, ठीक है, फिक्स नाइट्रोजन वापस लौट जाए तो डीनाइट्रिफिकेशन ही है, चलेगा। वो लिखने की लैंग्वेज का प्रॉब्लम है, वो लैंग्वेज अलग अलग हो जाती है, बोलने बोलने का डिफरेंस है। बट वापस लौटने की घटना को, आपके नाइट्रोजन के वापस लौटने की घटना को डीनाइट्रिफिकेशन कहते हैं। हाँ कह सकते हो, इसलिए कह सकते हो डीनाइट्रिफिकेशन वर्ड इसके लिए ज्यादा फेमस होगा, यहाँ पे ना बोलकर इसके लिए करो अगर ये वर्ड ज्यादा फेमस होगा, क्योंकि नाइट्रिफिकेशन मतलब नाइट्रेट बनना और डीनाइट्रिफिकेशन मतलब नाइट्रेट से वापस लौट जाना, उल्टा है, समझ में आ रही बात। इसलिए आपकी एनसीईआरटी बुक ने मोर परफेक्ट आंसर नाइट्रेट है, लेकिन लौटती सभी फॉर्म से लौट सकती है, सभी को डीनाइट्रिफिकेशन ही कहते हैं, लेकिन मेनली नाइट्रेट से एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन लौटने की घटना को नाइट्रिफिकेशन। अगला बोले अमोनिया से नाइट्राइड बनने की घट नाइट्राइड बनने की घटना को क्या कहेंगे, और नाइट्रेट बनने की घटना को, ये भी नाइट्रेट, यहां से यहां तक की घटना को क्या कहेंगे, नाइट्रिफिकेशन बोलेंगे। और नाइट्रिफिकेशन के बाद आपके प्लांट की बॉडी में चला जाएगा, प्लांट और एनिमल की बॉडी में चले जाएंगे ये अमोनिया, प्लांट की बॉडी में जाएगा, प्लांट की बॉडी से एनिमल की बॉडी में जाएगा, एनिमल्स की बॉडी से, एनिमल की बॉडी से और प्लांट की बॉडी से डेड डिके मटेरियल होंगे, इसकी बॉडी से डेड डिके मटेरियल। ए किसी घर की आवाज आ रही है, म्यूट करो। डेड डीके मटेरियल होंगे और डेड डीके मटेरियल से वापस अमोनिया बन जाएगी, इस घटना को क्या कहेंगे, डेड डीके मटेरियल से अमोनिया बनने की घटना को। बहुत अच्छी बात है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ए बी और सी ये ऐसा बना दे और पूछ ले ए बी सी को डिफाइन करो, क्या है ए क्या है बी क्या है सी, और सी अमोनिफिकेशन, और डी अगर आपसे डी भी पूछ ले तो ये डी डी नाइट्रिफिकेशन है, समझ में आई बात। और इस तरह नाइट ये पूरी साइकिल, इसको क्या बोलेंगे, पूरे डायग्राम को आने से लेकर जाने तक का पूरा घटना बना हुआ है नाइट्रोजन साइकिल, साइकिल बोल सकते हैं ना, आ भी रही है और जा भी रही है, एक साइकिल बन गई कि नहीं बन गई, नाइट्रोजन बाय एटमॉस्फेयर से आ रही है वापस लौट के जा रही है, इसलिए साइकिल बन गई कि नहीं बन गई। और हाँ बोलो बोलो, नाइट्रिफिकेशन मतलब नाइट्रेट का बनना, अमोनिया से नाइट्रेट के बनने की घटना को नाइट्रिफिकेशन कहते हैं। ये दो स्टेप में होती है, पहले अमोनिया से नाइट्राइड बनता है, फिर नाइट्राइड से नाइट्रेट बनता है, इस तरह इस पूरी घटना को अमोनिया से नाइट्रेट बनने की घटना को नाइट्रिफिकेशन कहते हैं। इस घटना में ऑक्सीजन का ऐड होता है और हाइड्रोजन रिमूव होती है, इसलिए इस घटना को नाइट्रो इसको ऑक्सीडेशन भी कहते हैं,
ऑक्सीडेशन घटना हो रही है, नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन होता है, इस घटना में हाइड्रोजन रिमूव होती है और ऑक्सीजन एंटर करती है। कितनी ऑक्सीजन जरूरत होती है? तो यहां से यहां तक के लिए 3 ऑक्सीजन की जरूरत होती है और यहां से यहां तक 1 ऑक्सीजन की जरूरत होती है, टोटल 4 ऑक्सीजन की जरूरत होती है NH3 से, अमोनिया से नाइट्रेट बनने तक में। और इस पूरी घटना को, अमोनिया से नाइट्रेट बनने तक की घटना को एक साथ एक वर्ड में नाइट्रिफिकेशन कहते हैं। कोई दिक्कत है जल्दी से बोलो, नाइट्रिफिकेशन में इसमें से कोई भी चीजों में, नाइट्रोजन साइकिल में यहां तक, नाइट्रोजन साइकिल आपकी ऑलमोस्ट, हाँ बोलो। हाँ, सब पढ़ाएंगे पढ़ाएंगे, डिटेल पढ़ाएंगे। हाँ, बैक्टीरिया ही करेंगे इस घटना को भी, पढ़ाएंगे डिटेल में, टेंशन नहीं लो, बैक्टीरिया ही करेंगे इस प्रोसेस को भी। नाइट्रिफिकेशन हो, डीनाइट्रिफिकेशन, सब कुछ बैक्टीरिया ही करते हैं सारा कांड, ठीक है? सारी घटना को बैक्टीरिया कराएंगे, कब कौन सा बैक्टीरिया कराएंगे एक एक करके पढ़ते हैं। इतना समझ गए हो सभी बच्चों? बहुत अच्छी बात है, इसको रफ कर सकते हैं ना। ठीक है, अब देखना ध्यान से एक करके। हाँ बोलो बोलो सर, बोलने वाली लड़की जल्दी से बोलो। लाइटनिंग, लाइटनिंग से भी हो सकता, सुनो, लाइटनिंग से भी हो सकता है, यूवी रेज से भी हो सकता है, इंडस्ट्रियल कंबंशन से भी हो सकता है, फॉरेस्ट फायर से भी हो सकता है, ऑटोमोबाइल इग्निशन से भी हो सकता है, और पावर जनरेटिंग स्टेशन से भी हो सकता है, इनमें से किसी से हो सकता है, लेकिन इनसे होने के चांस कम होते हैं, बहुत कम नाइट्रोजन इससे होती है। मैक्सिमम नाइट्रोजन जो फिक्सेशन होती है वो बैक्टीरिया करते हैं, प्रोकैरियोट्स करते हैं। तो आपको यहां पर इसको ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है, आपको इधर डिटेल में पढ़ना है। बायोलॉजिकल, बायोलॉजी की क्लास कर रहे हैं ना आप, केमिस्ट्री क्लास नहीं ना कर रहे हैं? तो केमिस्ट्री क्लास करते तो इसमें भी फोकस करता वो, लेकिन बायोलॉजी क्लास पढ़ रहे हैं इसलिए बायोलॉजिकल नाइट्रिफिकेशन पे फोकस कर रहा है। और बायोलॉजिकल नाइट्रिफिकेशन किसकी मदद से होगा? बैक्टीरिया की मदद से होगा। और बैक्टीरिया के अंदर कौन है एंजाइम होंगे? नाइट्रोजिनेज एंजाइम होंगे जो इस काम को करेंगे। तो आज बायोलॉजी क्लास में आपको मेनली फोकस यहां रखना है, इस तरफ फोकस नहीं देना है, इस तरफ नाम बता दिया कि इनसे भी होता है, बस इससे ज्यादा नहीं पढ़ना। तो आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन किससे होता है? इन सबसे हो सकता है, लेकिन आपको पढ़ना किससे है मेनली, मेनली पढ़ना किससे है नाइट्रोजन फिक्सेशन? बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन पढ़ना, मतलब बैक्टीरिया की मदद से कैसे होता है, कौन कैसे बैक्टीरिया आकर नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं इस पर फोकस करना है। कौन सा बैक्टीरिया करता है, कैसे करता है, इस पर फोकस करेंगे। तो फोकस बढ़ाएं हम, जूम करें इन्हीं को। चलो अब देखते हैं और डिटेल में, अंदर चल चल के देखते हैं आपके एनसीईआरटी बुक में और क्या क्या दिया है, कैसे कौन सा बैक करते हैं। तो आपकी बुक लिखती है एटमॉस्फियर में जो नाइट्रोजन है उससे जो अमोनिया बनेगी, अमोनिया बनेगी, इस घटना को कहेंगे नाइट्रोजन फिक्सेशन। और नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाले जो बैक्टीरिया हैं वो दो तरह के हो सकते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाले बैक्टीरिया दो तरह के हो सकते हैं। बैक्टीरिया करते हैं, सम बैक्टीरिया करते हैं, जो बैक्टीरिया करते हैं सम बैक्टीरिया इस घटना को करवाएंगे, सम बैक्टीरिया से ये घटना होगी, सम प्रोकैरियोट से होगी ये घटना। ये बैक्टीरिया कितने तरह के हो सकते हैं आपकी बुक लिखती है? दो तरह के हो सकते हैं। पहला, पहला कहती है आपकी बुक कि ये फ्री लिविंग हो, आजाद हो, मिट्टी में आजादी से रहते हो, फ्री लिविंग हो, फ्री लिविंग इन द सॉइल, सॉइल में इंडिपेंडेंट रहते हो, फ्री लिविंग रहते हो और वहां पर रह रहकर नाइट्रोजन फिक्सेशन करते रहते हो, पहला ऑप्शन है। और दूसरा है कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो किसी प्लांट के साथ, किसी एनिमल के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहते हैं, सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहते हैं, एसोसिएशन जो भी है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहते हैं। ये दो तरह के हो सकते हैं, मतलब जो बैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं वो कितने तरह के हो सकते हैं, कौन कौन से? आजाद, खुद से इंडिपेंडेंट रहने वाले, फ्री लिविंग, और दूसरा कह रहा है सिम्बायोटिक रहने वाले। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छी बात है। फिर आगे कहता है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो है कुड बी फ्री लिविंग और सिम्बायोटिक, है ना? एग्जाम्पल लिखा है आपकी बुक ने, फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। अब ये बोलता है ये एरोबिक भी हो सकते हैं, फ्री लिविंग जो है वो एरोबिक भी हो सकते हैं और एनारोबिक भी हो सकते हैं। आपकी बुक लिखती है अगली बार, ये फ्री लिविंग जो है वो एरोबिक भी हो सकते हैं और एनारोबिक भी हो सकते हैं, एरोबिक या फिर
एनारोबिक, एरोबिक एनारोबिक, बट तो सबको क्लियर है ना, एयर एयर की प्रेजेंस में जो जिंदा रह सकते हैं उनको एरोबिक कहते हैं, जो एयर की प्रेजेंस में जिंदा नहीं रह सकते हैं, ऑक्सीजन प्रेजेंस जिंदा नहीं रह सकते उनको एनारोबिक कहते हैं। दो तरह के हो सकते हैं, एरोबिक हो सकते हैं और एनारोबिक भी हो सकते हैं। अब आपकी एनसीईआरटी बुक में नाम दिया है, इसको याद करना है आपको, कैसे याद करोगे वो आपकी प्रॉब्लम है। हम आपको नाम पढ़ाते हैं, नाइट्रोजन फिक्सिंग एरोबिक बैक्टीरिया पढ़ाते हैं। एरोबिक बैक्टीरिया में पहला नाम लिखा है एजोटोबैक्टर का नाम, एरोबिक में एजोटोबैक्टर पहला नाम है। दूसरा नाम आपकी बुक लिखती है एनसीईआरटी वो BEIJERINCKIA ब्रेजेनकिया। ये दो एरोबिक फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म, फ्री लिविंग है या फिर ये सिंबायोटिक रहते हैं, दोनों का नाम जिनका लिखा हुआ है। एरोबिक है, एरोबिक है, एनारोबिक है, और फ्री लिविंग एनारोबिक बैक्टीरिया का नाम आपकी बुक ने लिखा है रोडोस्पाइरिलम, रोडोस्पाइरिलम। अब ये नाम कैसे याद करोगे, कोई ट्रिक अपने से बना लेना, फ्री आपसे आपसे एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएंगे हम बता देते हैं आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएंगे। फ्री लिविंग एरोबिक बैक्टीरिया इनमें से कौन सा है, फ्री लिविंग एनारोबिक बैक्टीरिया कौन सा है, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया कौन सा है, ऐसे अलग अलग छांटने के लिए आ सकते हैं नाम सेलेक्ट करने के लिए। तो फ्री लिविंग एरोबिक बैक्टीरिया का नाम है एजोटोबैक्टर और ब्रेंजलेनिया, ब्रेंजलेनिया, और फ्री लिविंग एनारोबिक बैक्टीरिया का नाम है रोडोस्पाइरिलम। कैसे याद करोगे, कोई ट्रिक है तो अच्छी बात है, नहीं है तो कोई बात नहीं, आप लोग समझो फिर। हाँ, ये तीन तीन नाम जो लिखे हैं एजोटोबैक्टर, बेंजलेनिया और रोडोस्पाइरिलम, तीनों ही फ्री लिविंग है, फ्री लिविंग है, ये दोनों एरोबिक हैं और ये एनारोबिक है, आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है इसलिए इंपॉर्टेंट है। कोई ट्रिक आपके दिमाग में आ रहा हो तो बता लेना और हमको बता देना, ठीक है। देखो हमारे पास है, एक बता देते हैं, अरे फ्री में आ जाओ बजरंगी, अरे फ्री में आ जाओ बजरंगी, बजरंगी को बुला रहे हैं हम लोग, क्या बोल रहे हैं, अरे या अरब से, अरब से फ्री में आ जाओ बजरंगी, अरब सागर पार करके बजरंगबली आए थे ना, सागर पार करके, तो बोल रहे हैं अरब से या अरे, जो बच्चों को अच्छा लगे, अरे फ्री में आ जाओ बजरंगी, बना सकते हो ऐसे ट्रिक, सोचना है तो, और अच्छा ट्रिक है तो आपके पास अपना ट्रिक बना लीजिए, हमको बता देना अगर मिल जाए इससे अच्छा ट्रिक तो। एक अच्छा कौन सा, लैक्टोबैसिलस नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं करता बच्चा, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया दही बनाने में पढ़ाया गया। फ्री लिविंग है, किसी के साथ कहाँ रहता, अकेले रहता, दूध में लगता है, अपने आप लगता है, फ्री लिविंग है, किसी के साथ रहता तो बैसिलस ना लिखा है, लैक्टोबैसिलस थोड़ा लिखा है, बैसिलस मतलब होता है रॉड शेप के, कोई भी बैक्टीरिया हो सकते हैं, हजारों बैक्टीरिया, लाखों बैक्टीरिया बैसिलस है। हाँ, अब हम बात करते हैं सिंबायोटिक एसोसिएशन में रहने वाले बैक्टीरिया की बात करते हैं, ट्रिक अपने से बना लेना। अना फ्री का अनार रोड में गिर गया, ट्रिक नंबर टू, फ्री का अनार, अनार रोड में गिर गया, फ्री का अनार रोड में गिर गया, ये ट्रिक खैर बहुत अच्छी ट्रिक नहीं है लेकिन आपको बता दे रहे, मेरे पास जो है मैंने बता दिया अवेलेबल, आपको इससे अच्छे ट्रिक मिल जाए तो बता देना, ठीक है। फ्री का अनार रोड में गिर गया, चलेगा, ट्रिक से याद हो तो अच्छी बात है, डायरेक्ट याद हो जाए तो इससे अच्छा कुछ है ही नहीं, डायरेक्ट याद करने की कोशिश करो इनको। एजोटोबैक्टर और ब्रेंजनेरिया जो है एरोबिक है पहली बात याद रखना, फ्री लिविंग है दूसरी बात याद रखना, रोडोस्पाइरिलम एनारोबिक है और फ्री लिविंग है। सिम्बायोटिक बैक्टीरिया की बात करते हैं, अब सिम्बायोटिक बैक्टीरिया की बात करते हैं तो ये भी दो तरह के होते हैं, कौन कौन से, नंबर वन
लेग्यूमिनेशी फैमिली में रहने वाले बैक्टीरिया और लेग्यूमिनेशियस प्लांट में रहने वाले और नॉन लेग्यूमिनस प्लांट में रहने वाले, इनको फिर दो पार्ट में बांट दिया गया है, लेग्यूमिनस क्रॉप में रहने वाले और नॉन लेग्यूमिनस क्रॉप में रहने वाले। लेग्यूमिनस समझते हो ना, लेग्यूमिनस का मतलब समझते हो ना सब बच्चों? दाल होता है दाल के पेड़ में, जो दाल के पेड़ में रहते हैं, दाल के प्लांट के साथ एसोसिएशन में रहते हैं उनको लेग्यूमिनस कहते हैं, और दाल के अलावा कोई भी प्लांट में रहेंगे तो नॉन लेग्यूमिनस कहलाएंगे। तो सिम्बायोटिक बैक्टीरिया दो तरह के हो सकते हैं, लेग्यूमिनस में भी रह सकते हैं और नॉन लेग्यूमिनस में भी रह सकते हैं। चलेगा शिवम, आपकी आवाज लौट कर आ रही है मेरे पास। इतनी सी बात समझ गए, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया जो होंगे वो सिम्बायोटिक बैक्टीरिया लेग्यूमिनस में भी रह सकते हैं और नॉन लेग्यूमिनस क्रॉप में भी रह सकते हैं, दोनों जगह रह सकते हैं। बताइए राइजोबियम किस में आएगा, फ्री लिविंग है या सिम्बायोटिक है? सिम्बायोटिक है। और सिम्बायोटिक में पूछा जाए तो लेग्यूमिनस क्रॉप में रहता है या नॉन लेग्यूमिनस प्लांट में? राइजोबियम लेग्यूम, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अच्छा आपकी बुक लिखती है एक और नाम लिखती है, साइनो बैक्टीरिया फ्री लिविंग है या फिर साइनो बैक्टीरिया जो है वो फ्री लिविंग है या सिम्बायोटिक है? तो दोनों तरह है, साइनो बैक्टीरिया दोनों तरह में आते हैं, दोनों ग्रुप में आते हैं, मेनली फ्री लिविंग में आते हैं। देखिए सिम्बायोटिक में कम आते हैं, फ्री लिविंग में ज्यादा आते हैं। तो देखिए आपके साइनो बैक्टीरिया फ्री लिविंग में ही आएंगे, एनाबेना नॉस्टॉक ये सब नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया हैं और ये एरोबिक बैक्टीरिया में आएंगे। नॉस्टॉक एनाबेना ये सब क्या है? नॉस्टॉक लिखा रहे कहीं पर, नॉस्टॉक लिखा रहे, एनाबेना लिखा रहे, इसका मतलब क्या होगा? नॉस्टॉक एनाबेना का मतलब क्या है? ये दोनों साइनो बैक्टीरिया है, ब्लू ग्रीन एल्गी है, ये बीजीए है। नॉस्टॉक क्या है? एक ब्लू ग्रीन एल्गी का टाइप है, ब्लू ग्रीन एल्गी बहुत एक ग्रुप का नाम है, उसमें कई सारे मेंबर हैं, उनमें से एक मेंबर का नाम है नॉस्टॉक, दूसरे का नाम है एनाबेना। नॉस्टॉक और एनाबेना एक तरह के सिम्बायोटिक बैक्टीरिया है, याद रहेगा। चलो अच्छी बात है, बोर्ड दिख रहा ना, पढ़ने लायक तो है ना बच्चों? फ्री लिविंग ही है बच्चों, फ्री लिविंग है, नॉस्टॉक और एनाबेना फ्री लिविंग है, सिम्बायोटिक में नहीं आते, फ्री लिविंग है, मेनली फ्री लिविंग है, थोड़ा बहुत कोई कोई सिम्बायोटिक भी है, कोई कोई सिम्बायोटिक है, मेनली फ्री लिविंग में आते हैं। तो साइनो बैक्टीरिया मेनली क्या है? फ्री लिविंग है ना, ज्यादा रखिएगा, ज्यादातर ये फ्री लिविंग होते हैं। तो साइनो बैक्टीरिया, मोस्ट ऑफ द साइनो बैक्टीरिया आर द फ्री लिविंग, समटाइम इट मे बी सिम्बायोटिक समटाइम। चलो सिम्बायोटिक, हाँ बोलो बोलो सर वाली लड़की। एरोबिक है, ऑक्सीजन गैस खुद ही प्रोड्यूस करते हैं तो एरोबिक ही है, खुद ही प्रोड्यूस करते हैं ये ऑक्सीजन, तो दूसरों को बांटते हैं, खुद के लिए तो रखेंगे। चलो सेवरल टाइप ऑफ सिम्बायोटिक बैक्टीरिया के बारे में पढ़ते हैं, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया की बात करते हैं तो उनमें से पहला नाम आता है राइजोबियम का नाम। सुना है आपने राइजोबियम का नाम? किसी ने राइजोबियम? लेग्यूमिनस क्रॉप में आते हैं कि नॉन लेग्यूमिनस क्रॉप में? तो आर एच आई जेड ओ बी आई यू एम, राइजोबियम पहला बैक्टीरिया हो गया जो लेग्यूमिनस क्रॉप में दाल के पेड़ों में लगता है, ठीक है, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया है। दूसरा नाम पढ़ते हैं सिम्बायोटिक बैक्टीरिया का, ये राइजोबियम किस किस प्लांट में लगता है? दाल वाले पेड़ों में, दाल वाले पेड़ों का नाम है अल्फा, अल्फा एक दाल का पेड़ है, स्वीट क्लोवर, स्वीट पी, लेंटिकल्स, गार्डन पी, ब्रॉड बीन, क्लोवर बीन, जितने भी नाम हमने बोले सब लेग्यूमिनस प्लांट के नाम है, सब दाल वाले पेड़ है। जितने भी नाम हमने बोले एक बार फिर से बोलते हैं, अल्फा अल्फा, स्वीट क्लोवर, स्वीट पी, लेंटिकल्स, गार्डन पी, बोर्ड पी, क्लोवर बीन, ये सब के सब आपके लेग्यूमिनस प्लांट है। दिशा आपकी आवाज लौट कर आ रही है?
ये सारे के सारे लेग्यूमिनस प्लांट है और सभी के सभी प्लांट दाल वाले पेड़ हैं, और इनमें से आपके क्या नाइट्रोजन नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया इनमें रहते हैं कि नहीं रहते? हाँ रहते हैं, इनमें भी रहते हैं। सिम्बायोटिक बैक्टीरिया है कि ये राइजोबियम या फिर कैसा बैक्टीरिया है? फ्री लिविंग है। किसके साथ सिम्बायोटिक रिलेशन रहता है ये बैक्टीरिया? किसके साथ रहता है सिम्बायोटिक रिलेशन में? लेग्यूमिनस प्लांट की रूट के साथ, लेग्यूमिनस प्लांट की रूट के साथ इसने दोस्ती कर ली है। क्या दोस्ती कर ली है? इसने फिक्स कर लिया है, दोस्ती कर ली है कि तुम मुझे नाइट्रोजन फिक्स करके दो। पेड़ को बोल दिया, पेड़ को बोला हम तुमको नाइट्रोजन फिक्स करके देंगे और तुम बदले में मुझे फूड खिलाना। तो पेड़ उसे राइजोबियम को क्या देता है? फूड देता है। और ये प्लांट को क्या देते हैं? राइजोबियम प्लांट को क्या देते हैं? नाइट्रोजन फिक्सेशन करके, नाइट्रोजन फिक्सेशन करके ही देते हैं। तो राइजोबियम नाइट्रोजन फिक्सेशन करके प्लांट को देते हैं और प्लांट बदले में इनको खाना खिलाता है। दोनों की दोस्ती बनी, अच्छी दोस्ती है, पक्की वाली दोस्ती है। चलेगा, आगे पढ़ते हैं। इसके लिए प्लांट उन्हें राइजोबियम को रहने के लिए नोड्यूल्स भी बनाकर देता है। प्लांट की रूट में छोटे नोड बने होते हैं, नोड्यूल्स बने होते हैं जिसमें बैक्टीरिया घर बनाकर रहते हैं। तो प्लांट्स की रूट में छोटे छोटे आउट ग्रोथ होती है जिसे नोड्यूल्स कहते हैं। देखा है कभी लेग्यूमिनस प्लांट? देखा है कभी? अगर लेग्यूमिनस प्लांट को देखा है उसे फ्लावरिंग के पहले देखना, जब उसे फ्लावर और फ्रूट ना लगे हो। चना का प्लांट देखना, चना का प्लांट या कोई भी दाल वाला प्लांट जिससे दाल बनती हो, कोई भी दाल वाला प्लांट, उसमें फ्लावर और फ्रूट आने से पहले अगर उस पेड़ को उखाड़ कर देखोगे तो उसकी रूट में, उस प्लांट की रूट में छोटी छोटी गांठें दिखेंगी कि नहीं दिखेंगी? प्लांट है, प्लांट की रूट होगी ये, तो प्लांट की रूट में ऐसे ऐसे नोड्यूल्स बने हुए दिखेंगे कि नहीं दिखेंगे? दिखेंगे। और इस नोड्यूल, इसको क्या नाम जानेंगे? इसको, इस आउटग्रोथ को नोड्यूल्स के नाम से, नोड्यूल्स के नाम से जानेंगे। अब इस नोड्यूल्स को अगर आप ब्लेड से काट कर देखोगे, तो ब्लेड से काट कर देखोगे तो बीच में कौन से रंग का होगा? इसके सेंटर में कौन सा कलर दिखाई देगा आपको? अगर इसको काटोगे ब्लेड से तो कौन सा रंग दिखाई देगा आपको सेंटर में? किस कलर के होते हैं ये? तो सेंटर में देखा जाए तो सेंटर में रेड कलर के दिखेंगे या फिर पिंक कलर के दिखाई देंगे। रेड या पिंक कलर के दिखाई देते हैं, दो में से एक कलर के दिखाई देते हैं सेंटर में। इसको अगर नोड्यूल्स काट कर देखोगे तो रेड या पिंक दिखाई देते हैं। क्यों रेड या पिंक दिखाई देते हैं? कोई और कलर क्यों नहीं दिखता? हाँ, आपके शरीर पर में, आपके शरीर को काटा जाए तो आपके शरीर में कौन सा रंग निकलेगा? आपके शरीर से क्या निकलेगा? काट दें आपके शरीर को, खून निकलेगा ना, ब्लड निकलेगा ना, ब्लड निकलेगा। और ब्लड किस रंग का होता है? लाल रंग का होता है। क्योंकि उसमें कौन सा पिगमेंट पाया जाता है? ब्लड आपका लाल क्यों होता है? कौन सा पिगमेंट की वजह से? हीमोग्लोबिन। इसमें भी हीमोग्लोबिन होगा कि नहीं होगा? या लाल रंग है तो हीमोग्लोबिन होगा कि नहीं होगा? होगा। इस हीमोग्लोबिन को कौन सा हीमोग्लोबिन कहेंगे? लेग्यूमिनस हीमोग्लोबिन, लेग्यूमिनस हीमो एच हीमोग्लोबिन के नाम से जानेंगे कि नहीं जानेंगे? इस केमिकल की ही, लेग्यूमिनस हीमोग्लोबिन की वजह से ये आपके रूट के नोड्यूल्स में पिंक या रेड कलर दिखाई देगा। रेड या पिंक कलर रूट के नोड्यूल्स में क्यों दिखाई देगा? लेग्यूमिनस हीमोग्लोबिन की वजह से। और लेग्यूमिनस हीमोग्लोबिन की वजह से ऐसा दिखाई देगा। और लेग्यूमिनस हीमोग्लोबिन क्या है? एक पिगमेंट है कि नहीं है? है। कहां पाया जाता है? प्लांट्स की रूट के नोड्यूल्स में पाया जाने वाला पिगमेंट है। और इसी की वजह से प्लांट्स की रूट के नोड्यूल्स पिंक या रेड कलर के दिखाई देंगे। और यहीं पर कौन सा बैक्टीरिया रहता है? यहां पर कौन सा बैक्टीरिया रहता है इस नोड्यूल्स में? राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया रहता है। बहुत अच्छी बात है। तो राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया रहता है, ठीक है। आगे बात करें आपका फ्रेंकिया। फ्रेंकिया नाम का भी एक बैक्टीरिया है। फ्रेंकिया जो बैक्टीरिया है वो भी आपका कहां रहता है? नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है, लेकिन ये नॉन लेग्यूमिनस प्लांट में रहता है। फ्रेंकिया एक बैक्टीरिया है, लेकिन ये किस प्लांट में रहता है? दाल वाले पेड़ों में नहीं उगता, जो दाल के अलावा वाले पेड़ होते हैं उसमें उगता है। फ्रेंकिया बैक्टीरिया का नाम है फ्रेंकिया। फ्रेंकिया सिम्बायोटिक बैक्टीरिया या फ्री लिविंग है? सिम्बायोटिक बैक्टीरिया है। सिम्बायोटिक बैक्टीरिया मतलब किसी पेड़ में लगेगा, वो कौन से पेड़ लगेगा? दाल वाले पेड़ों में या बिना दाल वाले पेड़ों में? हाँ, नॉन लेग्यूमिनस प्लांट, जो दाल वाले पेड़ ना हो उसमें लगेगा, नॉन लेग्यूमिनस प्लांट लगेगा। प्लांट का नाम है एलनस, एलनस,
एलनस के प्लांट पे लगता है, कौन से प्लांट पर? एलनस, एनस नहीं लिखा हुआ है, एलनस लिखा हुआ है, ठीक है। एलनस के प्लांट पर लगा होता है तो फ्रेंकिया किस प्लांट पर ग्रो करता है? फ्रेंकिया एलनस प्लांट पे। एलनस प्लांट दाल वाला पेड़ है या नॉन लाल दाल वाला प्लांट है? नॉन लेग्यूमिनस प्लांट है, याद रहेगा। अच्छा एक और इंपॉर्टेंट लाइन समझना, फ्रेंकिया और राइजोबियम क्या फ्री लिविंग रह सकते हैं सॉइल में, जिंदा रह सकते हैं क्या? हाँ ये फ्री लिविंग ही है, ये फ्री लिविंग बैक्टीरिया है, याद रखिएगा। फिर से सुनना, फ्रेंकिया और राइजोबिया राइजोबियम जो है ये फ्री लिविंग ही बैक्टीरिया है। कोई डांट खाने वाला है हमसे जोर से, जिसको घर में बात करनी वो करे, म्यूट कर लिया करो वरना डांट खा जाओगे। तो याद रखिएगा फ्रेंकिया और राइजोबियम जो दो बैक्टीरिया हैं ये फ्री लिविंग ही बैक्टीरिया एक्चुअल में, लेकिन ये फ्री लिविंग स्टेज में नाइट्रोजन फिक्सेशन कर पाएंगे क्या? नहीं कर पाएंगे। फ्री लिविंग स्टेज में ये नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए इन्हें नाइट्रोजन फिक्सेशन करना होता है। तो ये किस हालत में करते हैं? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहते हैं तब, हाँ जब ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहेंगे तब ही नाइट्रोजन फिक्सेशन कर सकते हैं। फ्री लिविंग स्टेज में ये नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं कर पाएंगे। फ्री लिविंग स्टेज में रहते तो है लेकिन उस समय नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं कर पाते हैं, याद रखिएगा। तो राइजोबियम एंड फ्रेंकिया आर द फ्री लिविंग बैक्टीरिया बट कैन नॉट फिक्स नाइट्रोजन इन द फ्री लिविंग स्टेज। दे कैन फिक्स नाइट्रोजन ओनली व्हेन दे आर प्रेजेंट इन अ सिम्बायोटिक स्टेज, ठीक है। सिम्बायोटिक रिलेशन में कहां पर रहेंगे दोनों? नोड्यूल्स बनाकर रहेंगे, ये रहेगा लेग्यूमिनस प्लांट में, रहेगा नॉन लेग्यूमिनस प्लांट में। अब मुझे ये रेड कलर से जितने भी नाम लिखे हुए हैं, एजोटोबैक्टर, ब्रेंजिलेनिया, रोडोस्पिरेलम, साइनोबैक्टीरिया, नॉस्टॉक, एनाबेना, राइजोबियम और फ्रेंकिया, ये सारे नाम हमको चाहिए। हम आपसे क्वेश्चन क्या पूछेंगे, आपको आंसर देना है। हम आपसे पूछेंगे रोडोस्पिरेलम फ्री लिविंग है या सिम्बायोटिक है? फ्री लिविंग है। एरोबिक है, एनारोबिक है? तो ऐसे क्वेश्चन हम आपसे पूछ सकते हैं। तो आपको कोई भी ट्रिक लगाइए, कोई भी तरीका अपनाइए, मेथड अपनाइए, वो आप जानिए कैसे याद करना है, वो आपका प्रॉब्लम है। ट्रिक अच्छा लग आपके पास कोई होगा तो मुझे बता देना, हम बाकी बच्चों को भी दे देंगे, बाकी बच्चों को बता देंगे, ठीक है। और नहीं भी होगा तो कोई बात नहीं, डायरेक्ट याद करो, कोई बहुत ज्यादा नाम नहीं है, हमने बता ही दिया है कि अरे फ्री में आ जाओ बजरंगी, ठीक है। और यहां पर याद करने का ट्रिक था, फ्री के अनार रोड में गिर गए, फ्री के अनार रोड में गिर गए। यहां का ट्रिक था राइजोबियम, तो जानी रही इसकी ट्रिक की जरूरत ही नहीं, राइजोबियम लेग्यूमिनस प्लांट में रहते हैं सबको पता है, और फ्रेंकिया जो है वो नॉन लेग्यूमिनस प्लांट में रहता है फ्रेंकिया। ये आपको रेड कलर से जितने भी नाम लिखे हैं, एजोटोबैक्टर, ब्रेंजिलेनिया, रोडोस्पिरेलम, साइनोबैक्टीरिया में नॉस्टॉक और एनाबेना, आपके लेग्यूमिनस प्लांट में राइजोबियम और फ्रेंकिया, ये सारे नाम आपको याद होने चाहिए। कोई ट्रिक हो आपके पास तो अच्छी बात है, नहीं है तो ऐसे डायरेक्ट याद करिए, ठीक है। किसी को अच्छा ट्रिक मिलेगा तो हमको भी व्हाट्सएप में भेज देना, हम भी देख लेंगे, ठीक है। लेकिन ट्रिक वही होता है जो मिलता जुलता वर्ड हो, ये मत कहना ए और बी, बहुत सारे ट्रिक आपके गूगल में मिल जाएंगे, ए फॉर ये, बी फॉर ये, ऐसे ए और बी एक अक्षर से ट्रिक नहीं होता। ए फॉर दुनिया में हजारों नाम है, ठीक है। ए और बी नहीं बोलना कि ए और बी, यहाँ का पहला ए बी याद कर लेंगे, यहाँ पे याद कर लेंगे आर, एक अक्षर वाला ट्रिक ट्रिक ही नहीं होता, वो टाइम पास होता है, बर्बादी, मजाक है वो। कम से कम मिलता जुलता नाम हो, चार पांच अक्षर मैच करते हो तब जाके वो सही माना जाता ट्रिक। चलेगा यहां तक? कोई दिखे कोई दिक्कत है तो पूछ लो, कोई भी दिक्कत। हमने क्या बताया, लेग्यूमिनस मतलब दाल वाले पौधे, नॉन लेग्यूमिनस मतलब जो दाल वाले नहीं है, उन दोनों के प्लांट में राइजोबियम बैक्टीरिया और फ्रेंकिया बैक्टीरिया रह सकते हैं, और ये किसी के साथ रहते हैं इसलिए इनको सिम्बायोटिक एसोसिएशन में कहते हैं, ठीक है। और इन सभी जितने भी नाम लिखे सब नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाले बैक्टीरिया है, एजोटोबैक्टर, बेंजिनेरिया, रोडोस्पिरेलम, नॉस्टॉक, एनाबेना, राइजोबियम और फ्रेंकिया, ये सभी नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, सभी नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट कर सकते हैं,
सभी के पास इतना पावर है कि बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन कर सके, याद रहेगा। सिंबायोटिक वाले रहते कहां है, नोड्यूल्स बनाते हैं रूट में, नोड्यूल्स बनाकर, रूट के नोड्यूल्स कब दिखाई देंगे अच्छे से, रूट में जब फ्लावरा होने से पहले रूट में नोड्यूल्स देखे जा सकते हैं। इन नोड्यूल्स को काटोगे तो कौन सा रंग निकलेगा सेंटर में, अगर इनको ब्लेड से काटोगे रेड या पिंक कलर के दिखाई देंगे, और रेड और पिंक किस क्यों दिखाई देंगे, क्योंकि इसमें कौन सा पिगमेंट पाया जाएगा, लेग्यूमिनस हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जैसे आपके शरीर में हीमोग्लोबिन होता है, लाल रंग खून को बनाता है, वैसे ही उसके अंदर लाल रंग कौन देगा, पिंक कलर कौन देगा, लेग्यूमिनस हीमोग्लोबिन ये कलर देगा। इसको शॉर्टकट में लेग हीमोग्लोबिन बोल सकते हैं क्या, इतना बड़ा नाम नहीं लेना, शॉर्टकट में लेग हीमोग्लोबिन बोल सकते हैं क्या, हाँ, तो लेग हीमोग्लोबिन की वजह से ये पिंक या रेड कलर के दिखेंगे। यहीं पर सारे बैक्टीरिया रहते हैं, राइजोबियम वगैरह बैक्टीरिया यहीं पर रहते हैं, फ्रैंकिया यहीं पर रहता है। समझ गए इस पूरी घटना को, हमने अभी तक क्या पढ़ा, सिर्फ हमने नाइट्रोजन साइकिल पढ़ लिया, दूसरी बात पढ़ी नाइट्रोजन से N2 से अमोनिया बनने की घटना को पढ़ा दिया आपको, मतलब नाइट्रोजन फिक्सेशन हमने कंप्लीट कर लिया आज की क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे नाइट्रिफिकेशन, कैसे अमोनिया से नाइट्रेट बनेगा, इस पूरी घटना को पढ़ेंगे, नाइट्रिफिकेशन नाइट्रेट बनना, अमोनिया से नाइट्रेट बनने तक की पूरी घटना को कल की क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। और इस नाइट्रेट से, इन नाइट्रेट से फिर आगे जाकर आपका वो प्लांट की बॉडी में जाएगा, और डेड डीके मटेरियल से वापस अमोनिया बनने की घटना को ये भी पढ़ेंगे, डेड डीके मटेरियल से अमोनिया कैसे बनेगा, ये सब कुछ जो बचा हुआ है कल की क्लास में आपका खत्म हो जाएगा। आज की क्लास के लिए आई थिंक इतना इनफ है। हाँ, नोड्यूल फॉर्मेशन कल बताएंगे, और नाइट्रो आपका ये जो पोर्शन है नाइट्रिफिकेशन वाला पोर्शन जो है NH3 से NO3 बनने की प्रोसेस को, इसमें से लगभग चीज बता चुके हैं, एक दो चीजें जो अभी मिसिंग है इसमें उसको डिटेल में बता देंगे कल, या कौन करेगा कैसे करेगा, तो एक दो लाइन जो मिसिंग है, एक आध दो लाइन उसको बताना बाकी है, वो कल फिर से बता देंगे बस। चले नहीं जाएंगे, लेकिन उनका मेन सबसे ज्यादा एक्टिव फॉर्म में, सबसे ज्यादा इजिली फॉर्म में वो उसी समय दिखेंगे, सब प्लांट सब यंग स्टेज में होगा सबसे ज्यादा, तब दिखाई देंगे, फिर प्लांट बिजी हो जाएगा, उसको बहुत सारा चीजों में बिजी हो जाएगा, तो धीरे धीरे वो सब कुछ बहुत सारे चेंजेस आने लगते हैं ना, सेंस होने लगेगा पेड़ में, बहुत सारे चेंजेस होने लगेंगे, इसलिए उस समय अच्छे से नहीं दिखेंगे। सबसे बेहतर देखने का टाइम है बिफोर फ्लावरिंग, फ्लावरिंग के पहले इनकी झूठ उखाड़ के देखो अच्छे से दिखेंगे, होने को तब भी दिखेंगे बाद में भी दिखेंगे, बट अच्छे से उसमें दिखते, क्लियरली दिखाई देते हैं। अब ये आपका होमवर्क याद रखिएगा, ये लाल रंग से जो पांच छह नाम लिखे हैं सब नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाले बैक्टीरिया हैं, कुछ फ्री लिविंग है, कुछ सिम्बायोटिक है। फ्री लिविंग मतलब ये एरोबिक और एनारोबिक दोनों हो सकते हैं, सिम्बायोटिक वाले एनारोबिक ही है ये, ये प्योर एनारोबिक, इसलिए इसमें डिवाइड नहीं किए हैं। चलो ये याद कर लेना, कैसे करोगे वो आपकी प्रॉब्लम है, कल इसके आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे, आज के लिए इतना काफी है, थैंक यू, ठीक है, कल भी सेम टाइम पे क्लास करते हैं। हाँ बोलो कौन सा, हाँ एनारोबिक है क्योंकि उसके अंदर रहते हैं ना, नोड्यूल्स के अंदर रहते हैं ना, नोड्यूल्स के अंदर एयर नहीं आ सकती है, नोड्यूल्स जो होता है वो एयर टाइट, कल पढ़ेंगे ना नोड्यूल्स के बारे में, इसलिए नोड्यूल्स के अंदर एयर नहीं आ सकती, इसलिए वो एनारोबिक ही है। चलो थैंक यू।